नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। राजनीति में दुश्मनी और प्रेम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे के दुर्विरोधी कब एक साथ आ जाए कह नहीं सकते। दरअसल चुनाव आते ही नेताओं की ओर से पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा ही अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो गया है। पार्टियां इस कोशिश में रहती हैं कि बाकी नेताओं को अपने पाले में कैसे लिया जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने दांव खेलते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। लेकिन जब राजभर ने अखिलेश से मुलाकात की और इस मुलाकात की उन्होंने एक वीडियो खुद अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की, तो समाजवादी पार्टी की पोल खुल गई। क्योंकि ये म्यूट वीडियो है, यानी कि इसमें ऑडियो नहीं है, जो कई तरह के सवाल उठा रही है। आखिर इस मुलाकात में ऐसी क्या बातें हुई कि जिसे छुपाया जा रहा है? और अगर कुछ छुपाया नहीं जा रहा तो फिर वीडियो को म्यूट करके क्यों पोस्ट किया गया? क्योंकि इस वीडियो की एक तस्वीर को खुद समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, मगर वीडियो पोस्ट नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने इसके साथ लिखा है, अब की बार भाजपा साफ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन है बचे चार। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खूब खिलाफत की है। 2019 में वो योगी सरकार में मंत्री थे, उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग जन कल्याण मंत्री का पद दिया गया था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले योगी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। सरकार में मंत्री रहते हुए वो सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी करते रहे। 2002 में राजभर ने अपनी पार्टी बनाई थी। राजभर यूपी में खुद को ओबीसी का मसीहा होने का दावा करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुभाषपा ने 13 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन सबकी जमानत जब्त हो गई। ओम प्रकाश राजभर ने पिछला यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। एनडीए के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद ही वो योगी सरकार में मंत्री बने, लेकिन कई बार उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया गया। हाल ही में राजभर ने ओबीसी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, लेकिन अब उन्होंने अखिलेश के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया है और अब दोनों की मुलाकात के वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजभर ने किसके कहने पर वीडियो को म्यूट किया और इस वीडियो में है क्या आखिर। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।